अभिषेक, आप में बिल्कुल तमीज़ नहीं है, आई एम सॉरी। आपको बिल्कुल नहीं पता कि बॉलीवुड से आए हुए लोगों से कैसे बात की जाती है। अगर हम गलत भी हैं तो आप हमें हमारे मुंह पे नहीं बोल सकते, आई एम सॉरी। आपको ये सीखना पड़ेगा, आपको हमारी थोड़ी सी चमचागिरी करनी पड़ेगी। ये एग्जांपल्स आपके सामने हैं, फलक, अविनाश, ये बेबी का, आपको इन लोगों की तरह करना पड़ेगा। आप यूट्यूब कम्युनिटी से हो, आपके जो फॉलोअर्स हैं वो सिर्फ एक नंबर है। हमें नहीं पता YouTube कम्युनिटी की क्या पावर होती है, आई एम सॉरी। ओके, इस घर में ना किसी को तमीज़ ही नहीं है, लड़कियों से कैसे बात की जाती है, लड़कियों के साथ कैसे बिहेव किया जाता है। हाँ, वो अलग बात है कि मैं किसी के सामने कुछ भी बोल सकती हूँ, मैं कितना भी चिल्ला सकती हूँ क्योंकि मैं लड़की हूँ। लड़की होने का फ़ायदा मैं हमेशा उठाती रहूँगी। अभिषेक के बारे में मैं बोलती हूँ कि ये सिर्फ लड़कियों के सामने बोलता है, लड़कों के सामने इसकी फटती है। मैं जाड़ के बारे में उल्टी सीधी बातें करती रहती हूँ जो वो जिया के साथ रहता है। मैं किसी के बारे में कुछ भी बोल सकती हूँ, किसी के भी टॉपिक में घुस सकती हूँ। मैंने जिया के बारे में, जो उसका टॉर्चर टास्क था, तब उसको मनीषा आटा लग रही थी तो मैंने बोला ओवर रिएक्ट मत कर, जैसे एसिड लगा है। तो मैं किसी लड़की को उल्टा कुछ बोल सकती हूँ क्योंकि मैं लड़की हूँ। तो लड़की होने का फायदा तो मैं उठाती रहूंगी। आप लोग कुछ भी कर लो, मेरे मुंह से आपको सब हमेशा बुराई ही मिलेगी। और उसके बाद उल्टा कोई मुझे बोल दे तो लड़की वाला कार्ड मैं खेलती रहूंगी क्योंकि मैं दोगली हूँ। आप लोग ना मुझे बिल्कुल समझ ही नहीं पाए हो। आपको लगा कि जिया समझदार होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको लगा जिया और अभिषेक साथ खेलेंगे तो अच्छे दिखेंगे, अरे लेकिन उसके लिए मेरे अंदर दिमाग होना ज़रूरी है। जब अभिषेक मेरे पास आके मुझे अच्छी चीज़ें समझाता है, मुझे एडवाइसेस देता है, मुझे खुद के लिए स्टैंड लेने के लिए बोलता है, मैं उसकी ही बुराई करती हूँ उसके पीठ पीछे। और जब अविनाश जैसे लोग मेरे पास आते हैं, मेरी बुराई करते हैं, मेरे पीठ पीछे बातें करते हैं, मुझे उन्हीं के साथ बैठना पसंद है। तो मेरा ऐसा ही है यार, मुझे सबके साथ अच्छे से बना के रखना है। और मैं हर काम उल्टा करती हूँ क्योंकि मेरे अंदर दिमाग थोड़ा कम है। आपको समझना पड़ेगा और सपने देखना बंद कर दो प्लीज़। यार सच बता रहा हूँ, थोड़े टाइम पहले तक ऐसे लग रहा था कहाँ पे आके फंस गया हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कुछ भी बोल रहा है और कोई मुझे समझने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन सलमान भाई ने आके जिस तरीके से लोगों को अपनी जगह दिखाई और मुझे थोड़ा सपोर्ट मिला है, अभी थोड़ा लग रहा है कि हाँ यार ज़रूरी था ये। क्योंकि बेबी का को तो ऐसे मन हो रहा था सलमान भाई का कि आके, समझ रहे हो ना। और पूजा जी को भी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी मेरे को लेके, वो सलमान भाई ने क्लियर की। फलक का जो एक बार बार मेरे परिवार पे जा रहे थे, वो उनको पॉइंट आउट करवाया। तो यार आज अच्छा लग रहा है। और आप लोग ये एक्सपेक्ट मत करना कि हर बार ये सपोर्ट करेंगे मुझे, क्योंकि ये मेकर्स कुछ भी कर सकते हैं। और सलमान भाई पे आप लोग कुछ कर नहीं सकते क्योंकि वो मेकर्स की सुनेंगे। लेकिन इस बार अपने साथ अच्छा हुआ है, कल अच्छा होगा ये एक्सपेक्ट मत करना। अपन अपना काम करते रहेंगे, आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहना।